भाई वेल डन टू अफगानिस्तान। भाई बहुत ही ज्यादा उदास हूँ क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस के हमें बिल्कुल ही तवक्को नहीं थी। हिंदुस्तान को बिग रिस्पेक्ट एंड थैंक यू अफगानिस्तान की टीम को सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान हमारा दूसरा घर है। आज हमने हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमने अफगानिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन को जो है ठोक दिया है। नमस्कार दोस्तों, अफगानिस्तान पाकिस्तान के मैच में जिस प्रकार पाकिस्तान को 8 विकेट से जीता है ना, वो काबिले तारीफ है। बार बार पाकिस्तानियों से हारने के बाद आखिरकार जीत ही ली और पाकिस्तानी को घर का रास्ता दिखला दिया। पाकिस्तान टीम के प्रदर्शन को लेकर बहुत से पाकिस्तानी दर्शक रो रहे हैं। वहीं बात करूं दूसरी साइड अफगानिस्तान की तो क्या कहना है, कहीं भांगड़ा हो रहा है तो कहीं लुंगी डांस। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो भाई हिंदुस्तान को बिग रिस्पेक्ट एंड थैंक यू अफगानिस्तान की टीम को सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान हमारा दूसरा घर है। आज हमने हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमने अफगानिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन को जो है ठोक दिया है, घुसा दिया है, फाड़ दिया है, उनकी सुंबई खलास कर दी है अफगानिस्तान की टीम ने। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं आज अफगानिस्तान की टीम ने। सबसे पहले तो इस दुनिया के दो बड़े शैतान देशों को ठोका है अफगानिस्तान ने, इंग्लैंड और पाकिस्तान, दोनों बाप बेटा, नाजायज बाप बेटे हैं। दोनों को अफगानिस्तान की टीम ने ऐसा ठोका है, ऐसा घुसाया है, अगले 4 साल तक ये लोग याद रखेंगे। और दूसरा रिकॉर्ड यह है कि भाई हमने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया पाकिस्तान का जो कहते थे कि अफगानिस्तान नहीं जीत सकती, ये दूसरा रिकॉर्ड। और तीसरा, हमने वर्ल्ड कप जीता है। पाकिस्तान से जीतना हमारे लिए वर्ल्ड कप से कम नहीं था, हमारा मिशन पाकिस्तान से जीतने तक का था। और हिंदुस्तान के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। हिंदुस्तान हमारा, हम क्या बोलें, अपनी कंट्री का बंदा तारीफ ही तो नहीं करता। हिंदुस्तान हमारी अपनी कंट्री है, चाहे उसमें हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, उसमें कोई भी रहता हो, सिर्फ वो भारतीय हो, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारा भाई है। आप लोगों को जुबान दी थी कि हम घुसाएंगे पाकिस्तान के अंदर, हमने घुसा दिया है और हमने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, बोरा बिस्तर बांधेगा ये। अब इतनी हड्डियां तोड़ी है अफगानिस्तान के बैट्समैन ने, रहमत शाह, गुरबाज और इब्राहिम ने इनकी इतनी हड्डियां तोड़ी है, ये अब लास्ट तक एक भी मैच नहीं जीत पाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को नोट करें। आज हम इनसे बॉलिंग से नहीं जीते कि ये बोलें कि स्पिन बॉलिंग से जीते हैं, नहीं 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 नहीं, इस वाले पिच पर इन लोगों ने 282 टारगेट रखा और अफगानिस्तान ने उसको चेस किया। इतने बड़े टारगेट को इस पिच पर चेस करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टॉस जो है वो ये हरामिस्तान जीत गया था, ये खुश हो रहे थे, लेकिन हमने घुसा दिया इनके अंदर, हमने इनकी हालत ऐसी कर दी अब दोस्तों कि ये अब जीतने के काबिल नहीं है। कुछ तो हिंदुस्तान ने घुसाया था, जो थोड़ी बहुत जान बची हुई थी वो हमने ठेल दिया, अब इनके अंदर कोई जान नहीं बची, ये लुट गए, ये बर्बाद हो गए, इनकी पुस्कियां, टट्टी, पेशाब सब बाहर आ चुका है, ये अब खेलने के लायक नहीं है, जीतने की बात तो बड़ी दूर है। और ये जब जब भी ब्लू कलर को देखेंगे आज के बाद, चाहे वो हिंदुस्तान की टीम हो या अफगानिस्तान, इनका पेशाब निकलेगा। तो जय हिंद, जय हो भारत माता की, जय हो अफगानिस्तान की, जिंदाबाद अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान दोनों भाई भाई, आप सब के लिए हमारे दिल से बहुत सारा प्यार। और पाकिस्तानियों, जब तक आप और हम हैं, हम आपको ऐसे ही नफरत करते रहेंगे और ऐसे ही ठोकते रहेंगे और हिंदुस्तान से हाथ मिलाकर तुम्हारे अंदर दो हाथ घुसेड़। एवरेज बॉलिंग, बिलो एवरेज बैटिंग, और ये स्टैट्स, जो नकली स्टैट जो वहाँ पे बने हुए हैं कि भाई ये बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, रखो आप उनको वहीं पे और हमारे साथ कंपैरिजन मत करना, इनका हो जाता है टाइम टाइम फिश, क्योंकि कुछ नहीं कर पाते उनके सामने। यही शाहीन अफरीदी, यही बॉलिंग की इतनी बातें हो गई कि जैसे आपने उनको वसीम अकरम बना दिया। यार वसीम अकरम ऐसे थोड़ी बन जाता है कोई, वकार यूनुस ऐसे ही बन गया था। आपके स्पिनरों ने क्या कर लिया, एक समय था सकलेन मुश्ताक थे। और बैटिंग, आप बाबर को, यार आप कहते हैं कि बाबर बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, भाई बाबर अच्छा खिलाड़ी है, बट डोंट कंपेयर हिम विद विराट कोहली, प्लीज़। आप देखिए विराट कोहली क्या कर रहे हैं। और नवाज़ सेठी जी, थोड़ी सी आपके लिए भी नसीहत है, आप कह रहे थे कि भारत डरता है,
है ना, कि भारत डरता है, आप कहते थे कि पाकिस्तान के साथ खेलने में। मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे मैं अब ये सवाल पूछता हूँ, आप भारत से खेलोगे या पाकिस्तान अफगानिस्तान से खेलेगा? वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, मर सज्जना ने भी जाना। देखिए, हम खुशी नहीं मना रहे कि पाकिस्तान हार गया है, बट थोड़ा सा पाकिस्तान को आईना दिखाना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की टीम कितनी अच्छी है और कितनी ख़राब टीम है। भाई वेल डन टू अफगानिस्तान। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे कि बंदिया तेरी रजा क्या है। भाई ये तो ये बिल्कुल सही लाइनें जो झुकती हैं इनके ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, कि जिस लिहाज की क्रिकेट खेल रहे हैं। सबसे पहले तो सारे अफगानिस्तान वालों को और सारे इनके क्रिकेट के प्रशंसकों को, फैंस को, उनमें से मैं भी एक हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद भाई। जो क्रिकेट आप लोग खेल रहे हो इसके लिए सैल्यूट है। पहले लताड़ा इंग्लैंड को, पिछली बार की वर्ल्ड चैम्पियन, और अब पाकिस्तान को, दो बड़ी टीमें। ये भाई आम बात नहीं, ये खास बात है। और देखिए इसमें खास बात हुई क्या कि टॉस जीता पाकिस्तान ने। ये मैच था चेन्नई में। हम जानते हैं कि यहाँ पे जब चेन्नई में मुकाबला होता है अक्सर टीमें टॉस जीत के बल्लेबाजी करती हैं, ताकि एक बार रन ऑन द बोर्ड लग जाए, विकेट धीमी होती है तो फिर आपके स्पिनर गेम में आते हैं, आप फ़ायदे में रहते हो अगर टॉस जीत जाओ। उसका फ़ायदा उठाया था पाकिस्तान ने, रन अच्छे खासे लगा दिए थे, 282 रन बहुत होते हैं उस पिच के ऊपर, जहाँ पे मुझे लगता है कि 250 भी डिफेंड हो जाता है ठीक से अगर आप गेंदबाजी करो तो। तो वहाँ पारी तो अच्छी खेली थी शफीक ने, 58 रन की पारी, थोड़ी धीमी 75 बॉलों पे, और बाबर की वो पारी धीमी पारी 74 रन, मतलब अपने रन बन रहे हैं। अगर नीचे से शदाब के 40 और इफ्तिकार के 40 नहीं बनते तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया था इस मैच में। पर देखिए ये किसने सोचा था कि जो अफगानिस्तान जब बल्लेबाजी करने आएगी तो इस तरह परास्त करेगी पाकिस्तान को। भाई नॉर्मली हम सब कहते हैं यहाँ पे टेम्पलेट ये है कि आप पहले बल्लेबाजी कर लो और उसके बाद दूसरी टीम जो है वो चेज नहीं कर पाएगी, बट पाकिस्तान ने भी नहीं ये सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है, बट कुछ ऐसा ही हुआ। जब अफगानिस्तान आया ना बल्लेबाजी करने, भाई सबसे पहले मेरा एक बार फिर से सैल्यूट है गुरबाज को, बहुत तगड़ा खिलाड़ी है भाई ये, और ये ऐसा खिलाड़ी है, निडर खिलाड़ी, ये टूट पड़ता है और ऐसा टूट पड़ता है कि बस दुनिया सोचती रहती है कि इसके आगे गेंदबाजी करे क्या। और जो निडर होके पारी खेली जाती है ना, जो टीम के लिए पारी खेली जाती है, वो कोई इससे सीखे। 53 बॉल में 65 रन, एक छक्का 9 चौके, और उनके साथ ही जादरन की वो पारी 87 113 गेंदों पे, क्योंकि वो तेज खेल रहे थे तो ये बिल्कुल ठीक ठाक अपना